हम बात कर रहे हैं बागेश्वर सरकार की। उनकी फैन फॉलोइंग जो है वो लाखों में है। क्या लगता है मंदिर में एक कोई विशेष ड्रेसअप होनी चाहिए लोगों के लिए? ड्रेस कोड संभव नहीं, पर संस्कृति की पहचान बनाए रखने के लिए जाने वाले दर्शनार्थियों को धोती का प्रयोग करना चाहिए। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी को कभी गुस्सा आता है? अफवाह जब कोई फैलाता तब थोड़ा सा मन खिन्न होता, गुस्सा नहीं आता। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है कि ऐसी शख्सियत जिनको पहचान की जरूरत नहीं है। देश के हर एक कोने से, बच्चे से बड़े तक, हर कोई उनको जानता है। उनकी ख्याति जो है वो विख्यात है। सिर्फ वो 26 साल के हैं, लेकिन उनकी फैन फॉलोइंग जो है वो लाखों में है। हम बात कर रहे हैं बागेश्वर सरकार की। आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके सभी दर्शकों को धन्यवाद। एशियन भारत की संपूर्ण मीडिया के बैक स्क्रीन ऑन स्क्रीन में कार्य करने वाले सभी प्रियजनों को खूब आशीर्वाद। हम आपसे सबसे पहले तो जानना चाहेंगे, आपने कैंसर हॉस्पिटल बनाया है, तो प्रमुखता उसकी क्या है? बनाने का संकल्प लिया है, अभी उसकी कुछ कुछ व्यवस्थाएं बहुत कमजोर हैं, कर रहे हैं, प्रयत्न कर रहे हैं, पुरुषार्थ कर रहे हैं, लगे हैं। 2029 के पहले उसका उद्घाटन करना है, प्रारंभ करना है, क्योंकि पूरा क्षेत्र बहुत प्रताड़ित क्षेत्र है, दीनहीन का क्षेत्र है। हमारे यहाँ अनादिवासी आदिवासी बहुत परिकर रहता है, तो हम उन सबके लिए हमारे मन में जो पीड़ा है, इसलिए हम कथाएँ कर रहे हैं। लोगों से कहते भी हैं जो हमारे पास आते हैं, उनको बताते भी हैं कि भाई आप अगर चाहो तो इसमें सेवा कर सकते। बहुत जल्दी ये बनेगा। हर वर्ष कन्या विवाह कराते हैं, तो क्या लगता है कि आपका क्या कहना है? दूसरे मंदिरों की तरह दूसरे मंदिरों को भी ये कार्य करवाना चाहिए और सरकार इसमें आपकी सहयोग करे। ये संपूर्ण भारत के लिए एक नया विषय है, नई क्रांति है, और मंदिरों का निर्माण ही इसीलिए आदि जगतगुरु शंकराचार्य ने करवाया था कि हम हर हाल में सभी समाज और वर्ग के लोगों को एकत्रित कर सकें। इससे बेहतरीन कोई उपाय नहीं। मंदिरों की दान पेटियों के रुपयों से गरीब बेटियों का विवाह, भूखे को भोजन, विद्यालय, औषधालय आदि अगर करवाए जाएं और सरकार के अधिपत्य से मंदिर अगर निकल जाएं, तो हमें लगता है हमारा भारत विश्वगुरु बनने में देरी नहीं करेगा। आप जो भी कथा करते हैं या बयानबाजी करते हैं, तो उसमें आप सनातन धर्म को महत्वपूर्ण बताते हैं, तो क्या लगता है मंदिर में एक कोई विशेष ड्रेसअप होनी चाहिए लोगों के लिए? ड्रेस कोड संभव नहीं, पर संस्कृति की पहचान बनाए रखने के लिए जाने वाले दर्शनार्थियों को धोती का प्रयोग करना चाहिए। जो हमारी भारत की वेशभूषा है, भारतीय परिधान है, उस प्राचीन परिधान को जरूर पहनकर जाना चाहिए, पर ड्रेस कोड अनिवार्य नहीं कर सकते, क्योंकि उस चक्कर में फिर ये मंदिर में युवा जाएंगे नहीं, युवा बंद हो जाएंगे जाना, तो ये लगाना हमारे लगता बहुत घातक होगा। इसलिए परिधान के लिए लोगों को जागरूक करने के लिए स्व आचरण में उतारना चाहिए। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी को कभी गुस्सा आता है? जैसे कि अफवाह चलती है आपकी शादी को लेकर, या बात करें जया किशोरी जी को लेकर, तो कभी गुस्सा आता है इन अफवाहों को लेकर? अफवाह जब कोई फैलाता तब थोड़ा सा मन खिन्न होता, गुस्सा नहीं आता। यही कहते हैं कि कम से कम भगवान को तो डरो। जो विषय हमारे जीवन से जुड़े नहीं हैं, उन विषयों को जब कोई वायरल करता बोलता है, तब मन को खिन्नता होती है कि हम भाई जिस विषय में होगा भी, जो भी होगा, अच्छा या बुरा, हमारे जीवन में एक बहुत अच्छा हमारा सिद्धांत है कि हम ऑन स्क्रीन पर बोलने की दम रखते हैं, बुरी चीज़ भी, अच्छी चीज़ भी, निजी भी और सार्वजनिक भी। ये हमारे पास गुरु कृपा है, तो अगर हमारे जीवन में ऐसा कुछ होगा, हम ऑन स्क्रीन बोल देंगे भाई ये ऐसा ऐसा है। उसके लिए आपको अपनी मनगढ़ंत कहानी बनाने की आवश्यकता नहीं। ये हमें लगता है ये हमारे साथ नाइंसाफ़ी है और देश की मीडिया के साथ नाइंसाफ़ी है। आप जो है वो दयालु के रूप में जाने जाते हैं, तो क्या लगता है आपको कभी ऐसा हुआ है कि उससे आपका मिसयूज हुआ हो, आपके नाम का मिसयूज हुआ हो? बहुत बार लोग करते हैं, फ़ोटोओं का दुरुपयोग करते हैं, फ़ोटो दिखा करके लोगों को पागल करते हैं, और कई बार पैसे भी उगा लेते हैं हमारे नाम से, तरह तरह की बातें भी करते हैं। कुछ लोग हैं
जिन्होंने मिसयूज किया है और कर भी रहे हैं, पर वो सभी ब्रांड के साथ होता है। हमने जितना समझा है, असली की नकल हमेशा होती है, असली नकली प्रोडक्ट दोनों चलते रहते हैं, तो उस पर बहुत ज़्यादा खिन्नता नहीं है। यही है, भगवान उनको सद्बुद्धि दे। जैसा कि आप लोगों को बुलाते हैं, चिट्ठी निकालते हैं, तो क्या ऐसा कोई प्रश्न जो लोग पूछते हैं और आप नहीं दे? ऐसा तो उत्तर अभी ऐसा कोई प्रश्न नहीं है कि जिसका उत्तर हमारे पास नहीं है। पास नहीं, मैंने ये पूछा कि आपकी इच्छा ना हो वो उत्तर देने की। उसमें कई बार ऐसे विषय होते हैं जो द्वंद्व वाले विषय होते हैं, विवाद वाले विषय होते हैं, या कोई जिसमें राष्ट्र का अहित होता हो, ऐसे विषयों को हम कोशिश करते हैं कि बिना माइक के, विदाउट माइक के बताएं, उस व्यक्ति को पता लग जाए। जैसा कि कहा जाता है कि आगरा में जो ईदगाह है उसके नीचे मूर्ति है, इस पर आपका क्या कहना है? अभी हमने उस विचार पर बहुत ज़्यादा आत्ममंथन नहीं किया और पढ़ा नहीं, अगर है तो निकलनी चाहिए। मेरा ये पूछना था आपसे, मथुरा में अतिक्रमण मुक्त कब होगा? बहुत ही जल्दी, राम मंदिर की तर्ज पर भगवान कृष्ण कन्हैया लाल भी वहाँ पर आ जाएंगे। आपकी न्यूज को धन्यवाद। और आप अगर चुनाव लड़ते हैं तो कौन सी पार्टी से लड़ेंगे? लड़ेंगे ही नहीं। तो ये थे हमारे साथ बागेश्वर सरकार, जिन्होंने अपने कई विचार हमारे साथ साझा करे। ऐसे ही देखते रहिए एशियन भारत। नमस्कार।